तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का मेरिट लिस्ट कब से आएगा, कितने कितने नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगा, और उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो आपका सिलेबस है वो किस प्रकार से आप सिलेबस भी जान जाएंगे और आगे बेहतर पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो बिहार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट हो चुका है 16 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक। अब आपका वेट है कि मेरिट लिस्ट कब डिक्लेयर करेगा बोर्ड, और उस मेरिट लिस्ट में फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आएगा जितने भी स्टूडेंट का, उन्हें मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। और ये पता कैसे करेंगे आप कि आपको मिला है या नहीं मिला है, तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद चेक कर पाएंगे। 1 तारीख को, 1 फरवरी को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। आप अपने लॉगिन आईडी से वहां से देख सकते हैं कि अलॉट कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर किसी कॉलेज का नाम लिखकर वहाँ पे आएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, और उसके आगे का प्रोसेस आपका डीवी इस डेट से इस डेट तक कराना है, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि किससे डीवी के आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और आपको पता है कि इस बार बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस चेंज हो चुका है फर्स्ट ईयर का, तो उसके लिए हम आपको एक एक डिटेल वीडियो बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने दिन में पढ़ने होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सारे सब्जेक्ट का एक एक वीडियो बना दूंगा भी मैं, उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके लिए आपको एक काम करना होगा, जो हमारा मेन चैनल है रिश्वा सेमेस्टर नाम से, क्योंकि हम उसी पे सारी चीज़ें करा रहे हैं पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से उस चैनल पे जाके बिल्कुल सारी चीजें, मैं आज ही उसका सिलेबस का वीडियो देने जा रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, ताकि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में होने का चांसेस है, भले आप प्राइवेट में पढ़ो कहीं पढ़ो, सिलेबस तो एक ही रहेगा, तो आप उन सिलेबस को जरूर देख लेंगे। और अपने सभी दोस्तों से बता दीजिए कि हाँ, रिश्वा एकेडमी पे अब सेमेस्टर की भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी गई है, और आपको मैं एक एक चीज़ का पीडीएफ, सही नॉलेज मैंने आपका अभी तक गाइडेंस किया है, आगे भी करता रहूँगा, एक भी सिंगल चीज़ नहीं मिस होगा। जो स्टूडेंट इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है, अगर कोई भी चीज़ होगी आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, अगर पॉलिटेक्निक की है, और वो मैं आपको प्रोवाइड हमेशा करवाता रहा हूँ, आगे भी करवाता रहूँगा, तब तो आप सबसे आगे रहेंगे। ऐसे नहीं कि आपको पता ही नहीं कि फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, आप गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, आपका एडमिशन भी हो गया, तो सब कुछ आपको मिलेगा, बस आप बने रहिए, जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहिए, और ये जो हमारा सेमेस्टर वाला चैनल है डिस्क्रिप्शन में चेक करके एक बार आप वहाँ पर देख लीजिएगा, सब्सक्राइब किए रहिएगा। आज ही मैं उस चैनल पर सिलेबस का 1 बाय 1 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और एक बात, जो भी फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आएगा, उम्मीद ये है कि 170 से प्लस जिसका अधिक अंक है उनका फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आ जाएगा। मैक्सिमम चांस है कि फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। अब ये जरूरी नहीं कि सिविल ही मिलेगा, इलेक्ट्रिकल ही मिलेगा, या मैकेनिकल, या कंप्यूटर साइंस, या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अलग बात है, लेकिन फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम चांसेस 170 के ऊपर वाले स्टूडेंट का मिल जाएगा। तो आप बने रहिएगा, आपका मैं इसी तरह अपडेट्स के माध्यम से एक एक नॉलेज देता रहूंगा। तो ऑल दी बेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, जाइए सेमेस्टर वाले चैनल पे, अभी के अभी उस चैनल पे जुड़ जाइए।